तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो अभी हम हैं चीन के एक छोटे से गांव में। मेरे बगल में देखे यहाँ चल रही है बहुत सारी खेतीबाड़ी। ये एक किसान है जो यहाँ सड़कों पे चल रहे हैं। साथ में अभी हम चलते हैं गांव में कटिंग करवाने। तो आज एक नया व्लॉग आपके लिए आया है जिसमें एक नई रोचक जानकारी होगी। दोस्तों आपका प्यार तो ऐसे बना रहता मजेदार होता है। और देखिए मेरे पीछे जो खेत आप देख सकते हो इसमें क्या है, इसमें दोस्तों चावल की खेती की गई है। उसके बाद में यहाँ सतावर बोया गया है। थोड़ा और खेतीबाड़ी है जो मेरे सड़कें देखे गांव की, ऐसे सड़कें भाई साहब देख करके मजा आता है। वास्तव में चीन ने प्रगति की है। ये देखिए आम दिखाता हूँ, आम का पेड़, आम ऐसे सड़कों पे लगे हैं, कोई पत्थर नहीं मारता भाई, देख के मजा आ गया। ये देखो भाई आम ही आम कितने आम लगे हैं खेतों में। ये देखिए इधर पूरा खेत है, खलियान है, कोई आसपास में ऊंची बिल्डिंग इमारत कुछ नहीं दिख रही। ये गांव में हम घूम रहे हैं चीन के। अभी देखिए हम कराएंगे कटिंग। ये देखो रो भाई साहब ये गाड़ी कैसी है, ये तो गजब की गाड़ी। ये देखो इलेक्ट्रिक कार, वास्तव में भाई ये जो गाड़ी थी 1,00,000 रुपए की आती है इंडिया की नैनो वाली। ये ऐसे भाई साहब गजब गजब चीजें यहाँ तो। ये गांव की बिल्डिंग्स आप देख सकते हो दोस्तों, गांव के मकान ऐसे हैं इधर। ये देखिए किसान है वो इधर थोड़ा अपना खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं। ये कोठी बंगले लोगों के आप यहाँ देख ही पा रहे हो दोस्तों। गांव में डस्टबिन, वास्तव में यार क्या गजब चीज़ है, इतना अच्छा मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया भाई। ये देखो भाई साहब बैठने को झोंपड़ी और साथ में यहाँ पे करने को जिम। गांव का ये हाल है, ये तो चीन है भाई, गजब डेवलपमेंट किया है, प्रगति की है गांव में इतनी सुविधा। अरे ये लोग गली खत्म हो गई भाई, खेतीबाड़ी शुरू हो गई। यार वापस चलते हैं आगे गांव में, थोड़ा वापस घूम करके आपको दुकान दिखाता हूँ नाइकी, और वापस चलेंगे और गाड़ी भाई कहीं गिर ना जाए। तो भाई विष्णु भाई के साथ तो मैं अलग अलग वीडियो तो बना रहा हूँ, आज इनको दिखा रहा हूँ कि ये ऐसा ऐसा यहाँ का कस्बा है, ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो ये देखने के साथ मैं तो रिकॉर्ड करना भूल ही गया, ये अपने वीडियो पे डाल रहे हैं। तो आप इनके जो वंडरिंग मैनिक करके जो चैनल है उस पर आप जा करके देख ही सकते हो। यार भाई निरंजन भाई बहुत बहुत शुक्रिया इनका यार, इन्होंने मेरे को यहाँ पे होस्ट करा। इनका काफी बिजी शेड्यूल चल रहा है यार, इन्होंने काम छोड़ के यार मेरे साथ ये टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों यार चीन के गाँव में घूमने का भी बड़ा मजा है, बड़े मस्त गाँव होते हैं, कई कई रोचक जानकारियां मिलती है गाँव की। चीन के गांव में देखो ये आ गई है भाई नाई की दुकान, इस दुकान में चलेंगे अभी भाई। दुकान में गए जाते ही पता चला यहाँ तो लड़कियां कटिंग कर रही है। तो मैंने पूछा भाई केवल महिलाओं का ही है यहाँ पे अगर सिस्टम, तो हम आगे जाते हैं। इन्होंने कहा नहीं आप लड़कों की भी यहाँ कटिंग की जाती है। तो अंदर चलते हैं दिखाता हूँ आपको क्या सिस्टम है। भाई साहब गांव में भी ये मिरर लगे हैं। यहाँ देखिए ऐसे भाई कटिंग का सिस्टम होता है, आपके लिए मैं ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और महिलाएं सारा काम करती है, महिलाओं का सशक्तिकरण यहाँ अच्छे से हुआ है और महिलाओं के पास रोजगार भी होता है, इसलिए घर में जितने लोग होते हैं वो सब काम करते हैं और अच्छा भला पैसा कमाते हैं। इसी वजह से चीन में आजकल हर परिवारों के पास अच्छा भला पैसा है। और ये देखिए इसने बढ़िया कटिंग कर दी है और पैसा भी कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, केवल 35 RM भी लिया है। गांव में चलते चलते मुझे मिले तरबूज, ये भाई साहब हैं और ये यहाँ पे तरबूज बेच रहे हैं। ये देखिए ये है तरबूज इंडिया में, इसका क्या कीमत है मुझे कमेंट में बताओ। यहाँ की कीमत आपको बता रहा हूँ, आधा किलो का भाव है 1.6 RMB, मतलब कि यू समझो 1.5 RMB का आधा किलो मिलता है, तो 18 रुपए का आधा किलो। भाई साहब चीन के गाँव में होती है मोती की खेती। ये देखो यार यहाँ तो हर दूसरा जो किसान है वही मोती की खेती कर रहा है। ओ भाई मोती की खेती, भाई साहब ये देखो आप तो यहाँ पूरा पॉली हाउस फार्मिंग है। चाइना में इस समय चल रहा है ड्रैगन बोट फेस्टिवल, तो सारे गांव में ऐसा कंपटीशन लगा रहता है। तो ये देखिए गांव के बुजुर्ग बच्चे माताएं बहनें और सभी लोग यहां बैठ करके इसका आनंद लेते हैं और ये सब लोग हौसला वर्धन करते हैं अपने बच्चों का। ये देखिए यहाँ तो मैं नॉर्मली यहाँ पे आ नहीं पाता।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूं। और देखिए दोस्तों इसमें आगे देखिए गांव का नज़ारा दिखाता हूं आपको। ये देखिए सड़कें हैं गांव की, देख करके मुझे तो भाई अच्छा लग रहा है। ये गांव में ट्रैक्टर कौन सी कंपनी का है पता करके बताओ भाई। ये देखिए बहुत ही गजब व्यवस्था यहाँ डस्टबिन की, और ये जो हरे कलर वाले हैं ये है नेकी की दीवार दान पात्र। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं जो सार्वजनिक जगह है उसमें। और ये बाउंड्री वॉल जो बनी है बहुत ही सुंदर दिख रही है, इसके ऊपर लाइटिंग की गई, रात को ये लाइटिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे ये इन्होंने जो लगा रखा है ये फूलों का बाउंड्री वॉल है, तो इससे जब यहाँ पे फूल खिलते हैं बहुत सुंदर लगता है। गांव में कोठी बंगले देखिए लोगों के, गांव में देखो भाई ऐसे ऐसे दर्शनीय जगह बनी रहती है। ये जो पहले ये जो चक्का दिख रहा है ना आपको, ये पहले के पुराने जमाने में जो पानी का सिस्टम होता था वो यहाँ दर्शाता है। इन्होंने अपनी कल्चर जो संस्कृति है ना उसको बताने के लिए इन चीजों को ना संरक्षित करके रखा है भाई, देख सकते हो आप मेरे पीछे। यहाँ से देखिए आम खरीदते हैं गांव में, पता करते हैं आम का क्या भाव है भाई। कैसा ये देखिए 70 रुपए का आधे किलो आम मिला है हमें दक्षिणी चीन के फुजियान राज्य में। और यहाँ पे आपको हर जगह छोटे छोटे ऐसे मंदिर मिलते हैं जो यहाँ की संस्कृति को दिखाते हैं। तो दोस्तों अब करो चैनल को सब्सक्राइब, और नया क्या देखना है एक मजेदार टॉपिक मुझे बताओ कमेंट में, फिर मैं आपके कमेंट के हिसाब से एक नया मजेदार वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, यार दोस्तों के साथ वीडियो फैलाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।